गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द अर्लीस्ट सिटी। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो पहले हमने ये हिस्ट्री का चैप्टर किया था, इसमें हमने काफ़ी कुछ किया था, अर्ली ह्यूमन वगैरह, तो वो इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, जो भी चीज़ें इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे सिटीज़ के बारे में, अर्ली सिटीज़ के कौन कौन सी हैं ना, कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियर बाय 150 ईयर्स अगो व्हेन रेलवे लाइन्स वर being laid down the first time in the Punjab, engineering stumbled up the site of Harappa in the present day Pakistan। तो first time जब इंडिया में है ना, कितनी की बात है ना, 1856 की बात है, आई थिंक सो। तो तब की बात है, तब रेलवे लाइन पड़ रही थी, तो ना जो इंजीनियर थे उन्हें ना ईंटें मिलने लगी, लाहौर को और कराची को है ना मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन बन रही थी। तो जब वो लाइन बन गई तो इंजीनियर को ना कुछ ईंटें बन मिलने लगी, खुदाई की तो ईंटें मिलने लगी। उन्होंने उस उन ईंटों से वो रेलवे के काम भी शुरू कर दी लगाने, लेकिन उन्होंने देखा ये बंद ही नहीं हो रही मिलना, तो खुदाई शुरू की गई तो हड़प्पा नाम का एक शहर मिला। बट वॉज द स्पेशल अबाउट द सिटीज़, मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में थे, लोअर टाउन एंड अपर टाउन। ठीक है, तो लोअर टाउन में गरीब लोग रहते थे और अपर टाउन में अमीर लोग रहते थे। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ठीक है, तो इसके आसपास था जो पक्की ईंटों से है ना, पक्की ईंटों से बाउंड्री बनी हुई थी। इन द सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। तो किसमें कोई स्पेशल बिल्डिंग भी थी है ना, तो उसे किटीडल बोला जाता है, जब प्रेयर हॉल वगैरह। फॉर एग्जाम्पल इन मनोजोदड़ो एक सिटी मिली है, वहाँ पे एक ग्रेट बाथ मिला है। तो हड़प्पा की ये विशेषता है कि यहाँ ना अलेक्जेंडर घनिंगम, पंजाबी में तो घनिंगम क से है ना, क कर से शुरू होता, घनिंगम बोला जाता है उन्हें। तो उनके नेतृत्व में उन्होंने पहली बार बोला था कि है ना, कि यहाँ पर एक वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल विभाग के, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक शहर है। उसके बाद जॉन मार्शल आए 1925 में, रक्षाल दास बैनर्जी एंड दयाराम सहानी, इन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में देख रेख में इन शहरों की खुदाई करवाई। तो अदर सिटीज सच एज द कालीबंगा एंड लोथल, फायर अलर्ट होते हैं जो, जिसमें हवन वगैरह होता है, हवन कुंड, वर स्पेसिफिक सेक्रीफाइसेस में हैव बीन कन्फर्मड। एंड सम सिटीज़ लाइक मनोजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड लेबोरेट स्टोर हाउस। तो यहाँ पे मिले, ये है ग्रेट बात है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले स्नान किया जाता था, जिसे सबसे एक अजूबा माना गया है। जैसे कि हमारे यहाँ सेवन वंडर्स है, सात अजूबे हैं ना दुनिया में, ताजमहल वगैरह ये वो है ना, काफ़ी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये सात अजूबे हैं, उनमें से ये भी, तो वो अब के सात अजूबे, ये एशियन टाइम का अजूबा माना जाता है। ठीक है, तो इतना अच्छा, क्योंकि उस टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं, फिर भी कितना अच्छा बना हुआ है। हाउस ड्रेन एंड स्टेट्स, जनरली हाउसेज वर इधर वन ऑफ द टू स्टोरीज हाई विद द रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड। मोस्ट हाउसेज हैज सेपरेट बाथिंग एरिया, सम हैड वॉल टू सप्लाई वाटर। तो इस टाइम में पता क्या है, तो दो मंजिला मकान भी मिले हैं, तो यहाँ बाथिंग एरिया भी मिला है घर के पास, तो ना उस टाइम में किचन का कंसेप्ट भी मिला है, जब कुछ नहीं था उस टाइम में किचन का कंसेप्ट। मैनी ऑफ दिस सिटीज कवर्ड ड्रेन, नोटिस हाउ केयरफुली दीज आर लेड आउट द स्ट्रेट लाइन। तो ड्रेन सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा है ना, सारे शहर का पानी एक बड़े नाले में शहर के बाहर जाता है।
तो ये सब दिखाता है कि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी। देखो आप इन पिक्स, लाइफ इन द सिटी, हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, देयर वॉज द पीपल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, बिजी सिटी थी। ये कुआ मिला है मनोजोदड़ों में, है ना, वॉल्स मिली हैं, बिजी सिटी थी, एक मतलब कैसे ट्रेड का सेंटर माना गया इसे। इट लाइकली दैट रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड एंड द गेट मेटल्स। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिलता है खुदाई से, जिससे पता चलता है कि, है ना, ये दे वांट हैव कीप्ड द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट मिले हैं, ऑर्नामेंट पता है आपको क्या होते हैं, जो कि वो गले में, है ना, पहनते हैं या हाथ में पहनते हैं, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स ऑफ देमसेल्फ, ये मोतियों से भी बने होते हैं। एंड देयर वर अ सब्सक्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हाउ हेल्प द प्रिपेयर टू शील्स एंड परहैप्स रॉट द मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो उनकी ने इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं, है ना, बट हमें पढ़ना नहीं आता, वो ऐसी लिपि है कि आज तक मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं गई। बिसाइड देयर वॉज मैन एंड वूमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल किंग ऑफ थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्ट पर्सन थे। जैसे ये देखो, ये टेराकोटा बोला जाता है, ये है जो ये वाली है फर्स्ट, है जो फर्स्ट पिक है, ये वाली तो एक शील है ना, जिसे कह सकते हैं उस टाइम की करेंसी है। ये है टेराकोटा पॉटरी, टेराकोटा होता है जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, उसे टेराकोटा बोल। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, तो लेट्स अस लुक एट द सम ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो हमें हड़प्पा सिटी में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन शेल्स मेटल इंक्लूडिंग कॉपर ब्रोंज़न गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं, जो कॉपर और ब्रोंज़न से मिल बनी है। कॉपर तांबा होता है, ब्रोंज़न कांसा होता है। परहैप्स द मोस्ट स्ट्रिकिंग फाउंड दोज आर बीड्स वेट एंड ब्लेड्स, ये हमें चीज़ें मिली हैं। द हड़प्पा ऑल्सो मेड शील्ड सील्ड, है ना, आउट ऑफ स्टोन, जनरली रिटेंगुलर शील्ड्स मिली हैं। तो ये एक पुजारी की मूर्ति मिली है ना उस टाइम में। कॉटन वाज प्रॉब्ली ग्रोन एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी एक जगह थी, है ना। तो एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट मनोजोदड़ो। तो मनोजोदड़ो से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, स्पिल्ड स्पिनिंग व्हील मिला है, ये भी कुछ मिला है। अनलाइक स्टोन और शेल दैट फाउंड नेचुरली फाइन फेंस मटीरियल दैट आर्टिफिशली प्रोड्यूस्ड गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर इन टू ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट वर ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनिंग ग्लेसी सरफेस। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो बनाई गई है इन्होंने, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंसिस दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड, है ना। टेराकोटा मतलब स्पिन थ्रेड, है ना, धागे को बुनने के लिए यूज होते थे। मैनी ऑफ दिस थिंग प्रोड्यूस वर प्रॉब्ली वर्क द स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इज द पर्सन हु ट्रेंड डू ऑनली काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे एक स्पेशलिटी पाई जाती थी, एक व्यक्ति एक ही काम करता था, मतलब कि जो कपड़े बुन रहा है वो कपड़े बुनता था, जो जूती बना रहा है जूते बना रहा है जूते बनाता था, ठीक है। ऐसे नॉट एवरी बॉडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, वी डू नॉट नो द वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट, वूमेन वर स्पेशलिस्ट इन द सर्च ऑफ रॉ मटीरियल। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को करने के लिए रॉ मटीरियल भी पाया जाते हैं। तो हाँ, जब कला लूज करता, तो हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के अलग अलग कारण हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, होप आपको समझ आया होगा, आप इसे पढ़ लो तो अच्छे से समझ आएगा।
तो फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। तो इजिप्ट देखो मिस्र देश कहाँ है ना आपके मैप में, देखो मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ड्राई डिजर्ट, ये ड्राई डिजर्ट है। अराउंड 5,000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। दिस किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट गोल्ड सिल्वर आइवर टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। दे वर ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब नॉन एज पिरामिड। तो ये अपने जो है ना कुछ इजिप्ट है, तो अपने जो आर्मी है सोने के लिए खोज के लिए भेजता था आसपास के एरिया में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पिरामिड बना रहा था। वैन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग वर प्रिजर्व्ड एंड ब्यूरीड इन दिस पिरामिड। दिस केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नॉन एज ममीज। तो उसे ममीज बनाया जाता था, मतलब कि पट्टी वगैरह ला के है ना केमिकल, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो वियर्ड विद दैम। तो उनकी जो वर्तों की चीज़ें थी सारी उनके साथ दबाई जाती थी। वेपन एनिमल्स सम टाइम इवन सर्विंग मैन एंड वुमन विद रूलर्स। दिस अमंग्स द मोस्ट एलैबोरेट वर्ल्ड नॉन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कुछ कई बार उसके है ना जो दास सर्विंग उसके दास दासियां थे उनको भी साथ में दबाया जाता था, क्योंकि उन्हें मरने के बाद उसकी ज़रूरत होती थी। तो ये बिलीव थे इजिप्ट के लोगों के। ये आपका चैप्टर था, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।